ये बताइए कि कैसे आप जो तेंदुआ पकड़ा था आपने सर, पहली बार, मैंने तेंदुआ तो पहले पकड़ने से पहले मैंने निगाह को कम पक्की कर लेते हैं, उसकी निगाह मेरी निगाह एक हो जाए। जब निगाह हो जाती है साहब, तो मैं उसके पहले बार दहने से मैं वार नहीं करता। जब वार करता हूँ, जब जानवर वार करेगा तो दहने से वार करेगा वो। हाँ, मैं बाएँ से पकड़ना शुरू करते हैं। अब धीरे मैं निगाह को करते 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 साहब उसके पास मैं करीब में पहुँच जाऊँगा। जब जान जाऊँगा साहब कि उसके पास छलांग में कहीं भागने लायक नहीं है वो, अब मैं उसके ऐसे दबोचूंगा, उसके सीधा मैं कंधे पर कूदूंगा और कंधे पर कूद के तुरंत जबड़ा पकड़ूंगा और जबड़ा पकड़ के पलट जाऊंगा लेकर के। जब पलट जाऊंगा साहब, तो या दांत या हाथ, हाथ से दोनों जकड़ेंगे, दांत से उसका पत्थर भी पकड़ लेंगे। पकड़ेंगे उसके में कितना पटकेगा साहब, नीचे ऊपर जाएंगे, अनुमान लस्त हो जाएगा, लस्त हो जाएगा। उसके बाद तब साहब उसका जबड़ा पकड़ के सीधे पिंजरे में अंदर डाल देंगे। इस तरह पकड़ते साहब। तो अब तक आपने कितने तेंदुए पकड़े हैं? हमने साहब ये पहले साल ये दुर्जनीपुर एक महेशपुर में निकला था सर, मैं उसको पकड़ के भी पिंजरे में डाले थे। उसके बाद फिर श्रीबंधे में छोड़ दिया था साहब। और उसके बाद दूसरा मैंने ये यहाँ पकड़ा छतरिया गांव में साहब। छतरिया गांव में बहुत यानी रात में कम से कम एक आध दो आदमी के ऊपर हमले कर दिया था। और सर इतने आदमी कम से कम 5-6 हज़ार जनता थे, लेकिन सबको पस्त कर दिया था। लेकिन मैंने साहब हिम्मत करके भी ठाट तोड़ के कुछ के अंदर कूदे और कूद करके कामयाब हो गए साहब। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कामयाबी हो गई, नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए सर। और उसको थोड़ा सा लोग आग बार दिए और आग बारने के बाद थोड़ा सा वो जगह पा गया, भाई आग पाया उसको, फिर निकल के भाग गया वो साहब। इसी में नाकामयाब हो गए साहब, ने दो तीन प्रतिनिधि पकड़े। एक बंदर हमारे सब थे वकील साहब के गाँव हमारे बगल में है, कौन सा गाँव सर? नदौली। हाँ, नदौली साहब ऐसे बंदर था कि कई गोरु जानवर काट लिया था, इतना काट लिया सर कि साहब 25-30 गोरु काट लिया था। वकील साहब के यहाँ भी खबर दिए डिपो साहब के पास, उसके बाद जो है तंजा तो हमारे पास खबर दिए। मैं उस समय ड्यूटी में था और वहाँ से भाग कर गए। फिर उसके बाद दौड़ करके उसको किसी तरह भी तुरंत यानी 15-20 मिनट के बाद कंट्रोल कर लिया उसको। फिर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद उसके बाद 2-3 हाथ मार करके उसके बाद अपना ये इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में छोड़ दिया, उसके बाद चला गया सर। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है कितने उम्र से आपने ये सब काम सीखा, कहीं सीखा आपने या फिर अपने आप अंदर आप? जी सर, मैंने हिम्मत की है सर। मैंने पहले कुत्ता सब पाला था, मैं कुत्ते से पकड़ना शुरू किया। मैंने कुत्ता हमारा ऐसा था सब कि मैं उससे छलांग मारना सीखा। उसके बाद छलांग मारने के बाद उसके बाद उन्होंने हमको पंजा सिखाया, उसको पकड़ना सिखाया, जिससे पकड़ता मैं किस तरह करना चाहता। मैंने अपने कुत्ते से मैंने होशियार हुआ। कुत्ते और एक बिल्ली हमारे पास, बिल्ली भी किस तरह मारता है, जैसे शेर काबू मारेगा या तेंदुए जैसे काबू मारेगा, बिल्ली जैसे मारते हैं वैसे मारते हैं, उसी मैंने बिल्ली सीखा हूँ साहब। मैं बिल्ली आज भी पाला हूँ साहब, मेरे पास बिल्ली पर है। तो बिल्ली के साथ आप क्या करते, लड़ाई करते हैं बिल्ली के साथ? हाँ, बिल्ली के साथ मैंने साहब पहले चूहिया लूँगा, चूहिया हाथ में ले लूँगा, उसके बाद उसके दिखाऊंगा जब चूहिया पकड़ने किस तरह पकड़ता है, उसी तरह मैं झपटा लगाता हूँ साहब। उसी तरह मैंने सीख लिया हूँ पकड़ने के लिए। तो आपके अंदर ये चीज़ जो कला है, आपको ये चीज़ आपके अंदर आई कब से? मैं साहब मैंने जब 25 साल का हुआ था तो मैंने होशियार हो गया साहब, और मैंने हमारे ताकत हो गई सब। और ताकत होने से बाद मैंने ऐसे धीरे धीरे सीखना सीखी, उसके बाद मैंने ड्राइवर किया। ड्राइवर करने के बाद साहब उसके बाद अचानक ये गांव में निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने हिम्मत से ये काबू कर लिया पकड़ने के लिए। अच्छा, आपकी जो बाकी कला आप कह रहे थे आवाज़ निकालते हैं आप जानवरों की, जी तो कुछ दिखाएंगे जरा? दिखा देंगे साहब, दिखा दो जरा। देखिए, अगर जैसे साहब बकरी या जानवर चल रही है, मतलब बकरियाँ चल रही है, शेर झपटे अगर मारेगा साहब तो किस तरह मारता है, वो चिपकी चिपकी आएगा बिल्कुल आसानी से, ऐसे ऐसे आएगा साहब। और उस शेर को ऐसे निगाह बिल्कुल निगाह पक्की रखेगा, और जैसे कि बकरी के ऊपर रखेगा तो उसकी बकरी की आवाज़ ऐसी होगी साहब, इस तरह निकलता है साहब। जब निकल जाता है तो आदमी गाँव खल्ला मारेंगे या गंडरिया लोग दौड़ेंगे कि अरे बकरी ले गया, तो साहब भाग निकलेगा वो छोड़ करके, या फिर कंधे पर लाद कर भाग निकलेगा। जैसा वो मौका पाएगा उस तरह करेगा साहब। और भी कोई जानवर का आवाज़ आता है आपको निकालना? जैसे साहब अभी बिल्ली की आवाज़ हुआ, अगर बिल्ली है साहब बच्चा वगैरह है तो बुलाने के लिए बिल्ली, तो इसका इस तरह होता है। और भी जानवर का आवाज़? हाँ, जैसे थोड़ा पिल्ला है साहब, अभी कुतिया जैसे बच्चा है, और कुतिया का बच्चा अगर कहीं चला गया है साहब, और उसके कुतिया के बच्चे का अगर पास बैठ जाइए, उसकी तो कुतिया को बुलाना है तो साहब इस तरह बुलाइए। इस तरह
अगर इस तरह से बुला लेंगे साहब तो कुतिया कहीं भी रहेगी दौड़कर आ जाएगी मेरे बच्चे को, कोई अटैक कर रहा है। तो आपकी नौकरी परमानेंट है टेम्पोरेरी है? नहीं साहब, अभी टेम्पोरेरी चल रहा है साहब, 3500 पाते हैं साहब। अच्छा, तो उसके अलावा कुछ करते हैं आप खेती? नहीं साहब, उसके बाद खेती व्यापारी है नहीं साहब हमारे पास, और बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं साहब हम। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारी बीवी है, एक बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, और साहब एक पतोहू है साहब, और किसी तरह से गुजारा हो रहा है सब, इसी के सहारे चल रहे हैं बच्चे, बस छोटे छोटे बच्चे हैं और ईंटे गारे काम करते हैं साहब। और आपके बच्चे क्या करते हैं? साहब बच्चे स्कूल, एक छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं साहब।